और अब झनक आती है ड्रेसिंग रूम में और मेकअप आर्टिस्ट उसे मेकअप और हेयर करके देते हैं। जी हो गया जी, थैंक यू, मैं चेंज कर लेती हूँ। और जहाँ झनक बढ़ती है अपनी ड्रेस की तरफ जो उसके लिए खास तैयार करके रखा गया है डांस के लिए, और देखकर बहुत खुश होती है। आज वो अपना सपना पूरा करेगी और जाती है तैयार होने। वहीं अब झनक तैयार होकर आती है। थैंक यू सो प्रीटी मैम, मैं फाइनल चेक्स कर लेते हैं। और अब मेकअप आर्टिस्ट फाइनल टचेस देते हैं झनक को, और वाकई में आज झनक किसी परी से कम नहीं लग रही। और आज तो उसका मन आसमां छू रहा है। सालों बाद आज उसे ये मौका मिला है और अब वो पूरी तरह रेडी है अपने परफॉर्मेंस के लिए। और अब तो बुलावा भी आ गया ग्रीन रूम से। यस एक्सक्यूज मी, आपको बुला रहे हैं, नेक्स्ट परफॉर्मेंस आपका है। जी चलिए, थैंक यू। और झनक बेखबर होकर जाती है ग्रीन रूम से अपने परफॉर्मेंस से पहले रुद्र प्रताप का आशीर्वाद लेने। गुरुजी, बड़े दोगले आदमी हो यार रुद्र, अपनी माँ से पैर छुआ रहे। क्या मतलब? मतलब इसे तुमने अपनी माँ माना है ना, भूल गए क्या? हमारी भारतीय परंपरा में बेटी और माँ दोनों एक समान होती है, और झनक मेरे लिए मेरी बेटी और मेरी माँ समान है। ब्रिजभूषण जी, अगर आपको मेरी बातों का इतना ही ख्याल है तो ये मैटर माँ और बेटे का है, तो उनके बीच ही रहने दीजिए। आपको इस बात का इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? हमें क्यों कोई फर्क पड़ेगा, हम तो बस ये देख रहे हैं कि तुमने एक सड़क छाप लड़की, सॉरी, एक चाय बनाने वाली लड़की के सर पर ताज पहना दिया है। और अब झनक को अपने परफॉर्मेंस से पहले ही ब्रिजभूषण गुस्सा दिलाने का काम करते हैं। पर अब झनक रुद्र प्रताप की अवहेलना नहीं सहेगी। जब आगे अगर तुम मदद न करते ना इसकी, तो ये बर्तन मांग रही होती कहीं। डांस करना तो बहुत जोर की बात है। मैं डांस कर सकती हूँ या नहीं ये स्टेज पर जाके तय होगा। तो आप अपनी टिप्पणी अपने पास रखिए ब्रिजभूषण जी। और अब है असली टकरार झनक और ब्रिजभूषण के बीच। पर रुद्र प्रताप बेहद खुश है झनक की ये ताकत को देखकर, कभी नहीं हारने वाली और घबराने वाली झनक। और रही बात गुरुजी की, तो मैं इनकी बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा मौका दिया है मुझे, अपना हुनर पूरी दुनिया के सामने लाने का मौका दिया है। थैंक यू गुरुजी। और अब जब ये मौका मिला है तो मैं उसका पूरी तरीके से फायदा उठाऊंगी। और आज झनक के अंदर आग सुलग रही है, गुस्से की, नफरत की और बदले की भावना की। पर ब्रिजभूषण को बड़ा मजा आ रहा है उसे ऐसे देख। एक बात बोलूं, राई के दाने भर तक का हुनर नहीं है तुम्हें। ऐसे ही अपने आप को डांसर डिक्लेयर किया हुआ है तुमने, असल में तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। और ये हम साबित कर देंगे। ऐसे मुंह के बल गिरोगे ना तुम कि तुम्हें तुम्हारी सारी औकात नजर आ जाएगी। और अब तो ब्रिजभूषण सारे हदे ही पार कर दिए औकात की बात करके। और अब रुद्र प्रताप को भी आता है गुस्सा। पर उस वक्त अगर कोई भी हाथ तुम्हें उठाने आया या तुम्हारी मदद करने आया ना, उसे हम रोकेंगे। और ये तो खुली चुनौती ही दे दिए ब्रिजभूषण
तो अब रुद्र प्रताप भी करता है सवाल उनसे। कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब भाई, हम तो तुम दोनों का रिश्ता समझ रहे हैं कि माँ बेटे हो या बेटी पिता हो या फिर कोई। ब्रजभूषण जी, पर अब जनक कुछ नहीं सुनना चाहती ब्रजभूषण की घटिया मुंह से और सोच से वो परी है। एक बात बताइए, ये आपकी बेटी तो नहीं है ना? मतलब जनक आपकी बेटी तो नहीं है ना? इसे क्या सच पता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सृष्टि के दामाद ने जनक से कह दिया हो और जनक ने इसे? मतलब जनक और हमारी बेटी? अरे ये कैसे हो सकती है हमारी बेटी? तो बस फिर एंड ऑफ डिस्कशन। अब ये मेरी माँ है या मेरी बेटी, इससे आपका क्या मतलब? आप अपने काम से काम रखिए। और ये मुंह तोड़ जवाब सुनकर ब्रजभूषण की तो आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। रुद्र प्रताप की ये हिम्मत कि उसने झनक के लिए उनसे नफरत मोल ली है, पर अब रुद्र प्रताप झनक को शांत करता है। आज तुम्हें स्टेज पर आग लगा देनी है, सिर्फ बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी बेस्ट परफॉर्म करना, और मुंह बंद कर देना ऐसे लोगों के, समझ गए? और स्टेज पर जाते जाते भी ब्रजभूषण से नजरें ना तो हटाती है और ना ही झुकाती है झनक। आज उनका मुंह बंद करके ही रहेगी वो। पर बसु परिवार में भी अब अर्शी झनक का ही वापस आने का इंतजार कर रही है शायद, जहां झनक स्टेज पर अपना जलवा बिखेरेगी आज। पर कुछ ऐसा होता है, देखते रहिए आखिर झनक कैसे जारी रखती है अपना परफॉर्मेंस और क्या आगे बढ़ पाएगी या नहीं। क्या ब्रजभूषण आज झनक को रोक पाएंगे फाइनल्स में जाकर ताज सर पर पहनने से? देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट।